हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ड्रोन को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ड्रोन, इसी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों इसके बॉक्स पे इसका कोई नाम शो नहीं किया गया है, बाकी आप इसके बॉक्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। दोस्तों ये ड्रोन मैंने अमेज़ोन से 3800 रुपये का परचेज़ किया है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके चार मॉडल नंबर है। हमारे पर सेकंड वाला है जिसमें 480 पिक्सल वाला कैमरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बैक साइड से, यहाँ पर भी इसके कुछ फंक्शन वगैरह के बारे में ही बताया गया है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के ऊपर हमें कुछ खास डिटेल देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए एक बार हम इसे साइड से और देख लेते हैं कि हमें साइड में और क्या देखने को मिलता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी प्राइस स्लिप है, जिसमें ये इसका जो प्राइस है वो शो किया गया है 10,999 रुपये। लेकिन इतना महंगा ड्रोन है नहीं, ये ओनली 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाता है। लेकिन मैंने ये कुछ सेल में ख़रीदा था तो मुझे 3800 रुपये का ये मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो मैनुअल हैं, एक इसका कैमरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ये है एक बार कोड जिससे आप इसकी कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका कैमरा मैनुअल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मैनुअल है जो कि हमारे ड्रोन को फ्लाई करने के लिए दिया गया है। तो ये ड्रोन के लिए और रिमोट के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यहाँ रिमोट के फंक्शन के बारे में देखिए बताया गया है, और यहाँ पर ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है ये बताया गया है। तो चलिए इसे भी अभी हम साइड में रखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारे ड्रोन का रिमोट, इसी से हम अपने ड्रोन को फ्लाई करते हैं। इसमें दो जॉयस्टिक दी गई हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं 1 की रिटर्न का बटन दिया हुआ है, और एक हैंडलेस मोड का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पर एमरजेंसी स्टॉप का है, और यहाँ जायरो स्टेबलाइजेशन का बटन है, और यहाँ फाइन टर्निंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक ऑफ एंड लैंडिंग का बटन है। और जैसे इसके ऊपर देखते हैं तो आपको मिलते हैं दो एंटीने जिनसे हमारी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए अभी हम इन्हें नीचे मोड़ देते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में तो इसी के साइड में आपको मिलता है फ्लिप का बटन, ये 360 फ्लिप कर सकता है ड्रोन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर की साइड में तो यहाँ एक स्पीड का बटन है। तो इसके बैक साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आप बैटरी डाल सकते हैं, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं जिसमें आपको ड्रोन का कैमरा शो होगा। तो चलिए अभी हम इसके रिमोट को साइड में रखते हैं और देख लेते हैं और चीज़ें हमें क्या मिली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 4 एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स, जब हमारे ड्रोन की प्रॉपलर्स डैमेज हो जाएंगी तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक USB 2 माइक्रो USB चार्जर, इससे हम अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, चलिए इसे भी साइड में रखते हैं, आप देख लेते हैं अपने ड्रोन को। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक फोल्डेबल ड्रोन है। तो चलिए मैं इसे अब खोल लेता हूं, और अब आप इसकी लुकिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपलर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाई हुई हैं, और अगर टूट भी जाती हैं तो हमें 4 एक्स्ट्रा दी गई हैं। और इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, तो देखिए मैंने कुछ सेकंड दबा के रखा तो ये ऑन हो चुका है, और यहाँ देख सकते हैं इसमें LED लाइट भी जलती हैं। तो यहाँ सामने की साइड में भी इसमें 2 LED लाइट जलती हैं, और बाकी पीछे की साइड में भी ऑरेंज कलर की लाइट जलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसका कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा है वो अप एंड डाउन हो सकता है, तो आपने जैसा कि देख लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे एक बार नीचे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे इसमें बैटरी दी गई है, तो यहाँ पर हम बैटरी को निकाल के देख लेते हैं कि ये कितने mAh की बैटरी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये 3.7 वोल्ट 1000 mAh की बैटरी है, तो ये हमें काफ़ी अच्छा फ्लाई टाइम देने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी पिन है और ये चार्जिंग पिन है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें एक बार चार्जर लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों इसकी खास बात है कि इसका जो चार्जर है वो वही चार्जर है जो कि आम तौर पर मोबाइल में लगता है, तो आप इसे मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी केबल से इसे चार्ज करें, आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। ये 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद आप ड्रोन को कम से कम 10 से 15 मिनट फ्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए अभी हम बैटरी को वापस से ड्रोन के अंदर ही फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने बैटरी को ड्रोन में ही लगा दिया है। तो चलिए अभी हम ड्रोन को साइड में रखते हैं और अपने रिमोट में बैटरी डाल लेते हैं। दूसरी एक बात आपको बता देता हूँ कि इस रिमोट में बैटरी हमें अलग से ही परचेज़ करनी होगी, हमें बॉक्स के अंदर कोई भी बैटरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर ओनली 3 बैटरी डलती हैं, आप चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। दोस्तों बैटरी डालना बहुत ही आसान है, तो आप देख सकते हैं हमने अपने रिमोट में बैटरी डाल ली है और अब हमने ढक्कन को क्लोज कर दिया है। तो चलिए एक बार हम रिमोट को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रिमोट में रेड कलर की इंडिकेटर लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वो ऐप स्कैन कर लेते हैं जिसमें हमारे ड्रोन का कैमरा शो होगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो बारकोड है ये हमें अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना होगा। स्कैन करने के बाद हमें एक लिंक मिलेगा जिससे हमें, जिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कैमरे को रिमोट में लगा लेते हैं। तो रिमोट में लगाना बहुत ही आसान है, चलिए मैं आपको इसे रिमोट में लगा के दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसे नीचे निकालना है और यहाँ पर इसे लगा देना है। तो देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो रिमोट में लग चुका है। तो अब सबसे पहले हम अपने ड्रोन को ऑन करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। अब हम अपने मोबाइल के वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको YDUFO मिलेगा, उसे आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यह है YDUFO, मैंने देखिए इसे कनेक्ट कर लिया है। तो कुछ इसी तरह से आपको भी इसे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कैमरा आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। तो ये एक वाईफाई कैमरा है, तो देख सकते हैं आपके मोबाइल में शो हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि हमने इसे मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है, अब हमें रिमोट से इसे कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब सेकेंड वाली जॉयस्टिक से आप लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाई टेस्ट और इसका कैमरा टेस्ट। तो चलिए चलते हैं।